ग्रह दोषों को शांत करने के लिए ज्योतिष और लाल किताब में कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक उपाय रत्न धारण करना भी बताया जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अमूल्य रत्न धारण करने में सक्षम नहीं है तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जातक के लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं। दोस्तों, हर ग्रह के लिए एक एक अलग अलग जड़ी बूटियां बताई गई हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात का जिक्र भी है कि यदि विधि विधान के अनुसार इन्हें धारण किया जाए तो ये रत्न के समान ही फलदायक होती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। हम रत्न तभी धारण करते हैं जब हमें किसी भी ग्रह का सपोर्ट चाहिए हो, या फिर हमारे सपोर्ट के लिए जो ग्रह हैं उनसे निकलने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है उन्हें हमें रोकना हो। लेकिन यदि हम सक्षम ना हो तो ऐसे में उनका सब्स्टिट्यूट क्या है, यानी कि उसके बदले में हम ऐसे कौन से जर हैं या फिर ऐसा कौन सा उपाय है जिन्हें हम करके अनिष्ट प्रभावों से दूर रह सकते हैं। यदि सूर्य पीरा कारक हो तो बेलपत्र की जर गुलाबी रंग के किसी भी धागे में रविवार को धारण करें तो ये आपको जो है बहुत ही फायदा देने वाली है। वहीं यदि चंद्रमा आपके लिए दुखदायक हो तो आपको करना कुछ भी नहीं है, खीरनी की जो जर होती है जिसे छीरनी भी कहते हैं, कि जर को सफ़ेद रंग के धागे में आपको धारण करना चाहिए। मंगल यदि आपके लिए पीरा कारक हो तो अनंत मूल की जो जड़ें होती हैं उन्हें लाल रंग के डोरे में मंगलवार को धारण करें। वहीं बुधवार यदि पीरा कारक हो तो विधारा की जो जड़ होती है उसे हरे रंग के धागे में बुधवार को आपको पहनना है। गुरु यदि पीरा कारक हो तो केले की जड़ को पीले डोरे में यानी कि पीले रंग के धागे में गुरुवार को धारण करें। और शुक्र यदि पीरा कारक हो तो सरपंखा या सरकंडे की जो जड़ होती है उसे सफ़ेद रंग के धागे में शुक्रवार को धारण करना चाहिए। शनि पीरा कारक हो तो बिच्छू की जड़ काले डोरे में शनिवार को धारण करें। राहु पीरा कारक हो तो सफ़ेद चंदन नीले डोरे में बुधवार को धारण करें। वहीं केतु यदि आपके लिए कष्टदायक हो रहा हो तो अष्टगंध की जो जर होती है उसे आसमानी रंग के धागे में गुरुवार को धारण करें। ये ऐसे कुछ उपाय हैं जो हर तरह से जो है हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और महंगे भी नहीं हैं, यानी कि हर किसी के बस की बात है, कोई भी इसे अपना कर इसके फ़ायदे को ले सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।